रामकृष्ण कहते हैं इट इज़ द माइंड दैट मेक्स वन वाइज आर इग्नोरेंट बाउंड आर इमेंसिपेटेड वन इज होली बिकॉज ऑफ इज माइंड अनदर इज विकट बिकॉज ऑफ इज माइंड। ये मन ही है जो आपको स्वतंत्रता दे देता है, जो मन है आपको बंधन में डाल देता है। ए माइंड दैट हैज गॉट गुड गुरु रीड्स होली स्क्रिप्चर्स बट माइंड इज नॉट प्योर ही विल नॉट अचीव हिज गोल। इस माइंड इज प्योर इवन दैट मैन हैज नॉट गुड गुरु नॉट रिटन स्क्रिप्चर्स ही कैन अटेन लिबरेशन पीस ऑफ माइंड एज मिरर इज लेड विद डस्ट एंड डर्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फेस सो माइंड फिल्ड विद इम्प्योरिटीज डज नॉट सी द गॉड। आगे कहते हैं कि एक मनुष्य का मन चंचल है, विकट है, उसके पास अच्छा गुरु भी है, धर्मशास्त्र भी है, पर वो धर्मशास्त्र वो गुरु उसको कुछ नहीं दे सकता। और एक व्यक्ति के पास गुरु भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, पुस्तक पढ़ने के लिए भी नहीं है, परंतु उसका मन स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है, वो जहाँ भी जाएगा उसको वो प्राप्त कर लेगा। आगे वो कहती है जैसे कि मिरर है, एक शीशा है, उसके ऊपर यदि धूल है, चिकनी लगी है, तो जो धूल लगी हुई है जब तक वो धूल दूर नहीं होती तब तक वो मनुष्य अपना चेहरा देख नहीं पाता। एज मिरर इज लेड विद डस्ट एंड डस्ट डर्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फेस सो मैन फिल्ड विद इम्प्योरिटीज कैन नॉट सी द गॉड एट ऑल। यदि आपका हृदय मन अशुद्ध है, अपवित्र है, विकट है, तो चाहे आपके पास धर्म गुरु आ जाए, अच्छी पुस्तकें आ जाएं, अच्छा स्थान चले जाओ, आपको सिद्धत्व या आपको सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। यही बात रामचरितमानस में संत तुलसीदास कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। रामचरितमानस में सुंदरकांड में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है उसको ही प्रभु भाते हैं, जिसका मन निर्मल नहीं है, कपटी है, तो उसको परमात्मा नहीं मिल सकते। तो जैन दर्शन का आधार क्या है? जैन दर्शन का आधार है सम्यक दर्शन। जैन सिद्धांतों की नींव है सम्यक दर्शन। जैन धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक? सम्यक का मतलब सत्य का बोध। सत्य क्या है? सत्य चित्त और आनंद, वो जीव का, आत्मा का निज गुण है। यदि उसका बोध हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, तो तुम निश्चित आगे। सत्य पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सत्य को कोई इनकार कर नहीं सकता। और चित्त तुम्हारी चेतना और आनंद तुम्हारा स्वभाव। सत्य चित्त आनंद तुम्हारे पास था, है, रहेगा। तो जिसे धन का महत्व समझ में आता है वो धन के पीछे लगता है, रूप का मतलब समझता है रूप के पीछे लगता है, स्वरूप का मतलब स्वरूप के पीछे लगता है, प्रतिष्ठा का मतलब प्रतिष्ठा के पीछे लगता है। जिसको अपना बोध प्राप्त करना है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। उसको प्राप्त करने के बाद वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसा है सम्यक दर्शन। श्रीमद् रायचंद ने आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 बातों का वर्णन किया है। 6 बातें महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 6 बातें? आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है, और आत्मा कर्मों का भोक्ता भी है, और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, और आत्मा को मोक्ष है, मोक्ष का उपाय भी। 6 बातें, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए।
आत्मा है, मतलब अटल विश्वास, आत्मा। ये आत्मा को शब्दों से नहीं जान सकते, लिख करके नहीं जान सकते, पढ़ करके नहीं जान सकते, सुन करके भी नहीं जान सकते। ये आत्मा का अनुभव तुम्हारे भीतर जीव और अजीव दो तत्व साथ साथ रहते हैं, जैसे म्यान में तलवार, दूध में मक्खन, फूल में सुगंध, ऐसे तुम्हारे देह में, हर देह में आत्मा विद्यमान है। ये मनुष्य उस आत्मा के गुण को प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, नरक के नेरिये नहीं कर सकते, सम्यक दृष्टि देव प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है जिसको ये बोध हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्त कर, आत्मा है, अटल विश्वास कि मैं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ। और आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है, आत्मा कभी बदलता नहीं, देह बदलती, रंग रूप प्रतिष्ठा सब बदलता, पर आत्मा नहीं बदलती, आत्मा नित्य है। हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा नरकों में भी गई, यही आत्मा गई, पशु पक्षी बनी, यही आत्मा बनी, देवलोक में गई, यही आत्मा गई, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति सब में गई, यही आत्मा गई। तो आत्मा हमारा सबसे परम मित्र है, पर हम कितना समय आत्मा को देते हैं आप देखो, 24 घंटे में शरीर को समय कितना देते हुए और आत्मा को समय कितना, और आत्मा तुम्हारे पास है, थी, 24 घंटे आप सो जाओ, आत्मा सो जाती, आप श्वास लेते हो, आत्मा भी साथ रहती है, आप भोजन करते हो, आत्मा साथ रहती है, आप चलते हो, आत्मा साथ रखती, आप व्यापार करते हो, आत्मा साथ रखती, आप ध्यान करते हो, आत्मा साथ, 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ है। पर हम आत्मा को कितना जान पाए, पहचान पाए, अनुभव कर पाए। तो आत्मा क्या है? विश्व आत्मा है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है। आत्मा अशुद्ध हो ही नहीं सकती, एक शुद्ध तत्व आत्मा। जैसे कीचड़ में कमल है, कमल कीचड़ में रहता है, उसकी जड़ें कीचड़ में होती है, उसकी नाल कीचड़ में होती है, पर वो ऊपर रहता है, पत्ता भी ऊपर रहते हैं। ऐसे आत्मा ये अशुचि भरे देह में है, परंतु आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, नित्य है, शाश्वत है, अखंड है, परिपूर्ण है, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इसका क्या करना? आपने अटल विश्वास, अटल श्रद्धा करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य है। और आत्मा क्या है? कर्मों का भोक्ता है, कर्मों का भोक्ता है और कर्मों का करता है। कब आत्मा कर्मों का करता है ये समझने की बात है, जब जीव अपना ही जीव अपना स्वभाव छोड़ देता है, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ लग जाता है, तो आत्मा कर्मों का कर्ता बन जाता है, और कर्ता बन गया तो भोक्ता बन जाता है। आज तक हमने क्या किया? अपने को नहीं जाना। भगवान ने पूछा धर्म क्या है? अनाये धम्मो अनाये तवो, आज्ञा ही तप और आज्ञा ही धर्म। क्या आज्ञा भगवान की? कि जीव तू अपने को जान ले, तू है कौन? जीव का आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, जानो और देखो। कुछ करना ही नहीं, जीव कुछ करता ही नहीं, कौन करता है? ये शरीर करता है, ये मन करता है, ये बुद्धि करती। अब मैंने किया, मैंने भोजन बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने परिवार चलाया, ये मैं करते 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 सारा मिथ्या। तो जीव ने कुछ नहीं किया, ये अज्ञान है हमारा, जीव है अकर्ता दृष्टा भाव। तो जब आप अपने को कर्ता मान लेते हो तो कर्म आते हैं और कर्म को भोगना पड़ता है। जीव कर्ता नहीं, भोगता नहीं। जीव कर्मों का कर्ता जब बन जाता है विभाव दशा में आकर के, जीव अपना स्वभाव छोड़ देता है, विभाव में आ जाता है, तो 4,84,00,000 जीवा योनियों में ये जीव भ्रमण करता है। तो आप कर्ता भोक्ता नहीं हो, आप मात्र दृष्टा हो,
आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना। जैसे ही आप ध्यान में क्या करते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, कुछ भी हो रहा है, आप मात्र दृष्टा में रहो। जो दृष्टा में रहते, जो शुक्ल ध्यान होता है, वो कर्म वहाँ आपको कर्म लगते ही नहीं। उस कर्म जो नहीं लगते, स्वभाव में आई, विभाव में आई। तो आत्मा क्या है? आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है, आत्मा कर्मों का भोक्ता है। कर्ता भोक्ता कब बनता है? जब जीव आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में चला जाता है, अपना गुणधर्म छोड़ करके विभाव में चला गया, तो कर्ता भोक्ता। जब ये अपने स्वभाव में रहता है, ज्ञाता दृष्टा में रहता है, तो कर्मों का बंधन नहीं होता, तो आत्मा को आगे मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष का है, मोक्ष का उपाय भी। ये पांच बातें अच्छी तरह समझ लेना, तुम्हारे काम की, जिंदगी भर काम की है। श्रीमद् रायचंद आत्म सिद्धि शास्त्र में 6 बातें बताई। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष प्राप्त होता है आत्मा को, और मोक्ष का उपाय भी है। ये 5 बातें, ये बंधक है। आप कर्म करते हैं, भोगते हैं, अकाम निजरा होती है और चलता है, परंतु आगे मोक्ष का उपाय है। वो उपाय कौन करेगा? वो कौन करेगा उपाय? वो तुम करोगे। ये तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा, ये उपाय जो मोक्ष का, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। जितना पुरुषार्थ कर लोगे, उतना मोक्ष के नज़दीक पहुंच जाओगे। पुरुषार्थ ही नहीं किया, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आप रटते रहो, आत्मा है, नित्य है, कर्म का कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष का उपाय भी है। नहीं, जो उपाय है, उपाय कब होगा? उपाय कब होगा? पुरुषार्थ कब होगा? जब आपकी वीतराग दशा की और रुचि होगी। वीतराग दशा, आत्मा का स्वभाव क्या है? वीतरागता। आपकी वीतरागता की दशा बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे ध्यान में आप शुक्ल ध्यान में बढ़ते चले गए, तो आपकी रुचि बढ़ती बढ़ती आप मोक्ष को ढूंढ लोगे। एक वीतराग दशा आपको मोक्ष ले जाएगी। यदि वीतराग दशा नहीं है, तो मोक्ष नहीं मिल सकता। समझो, वीतराग दशा की नहीं, न राग न द्वेष, सबके प्रति मैत्री भाव। सभी तीर्थंकरों को देखो, अरिहंतों को देखो, वो वीतराग दशा में, वीतराग भाव क्या है? शुद्ध भाव, निर्मल भाव, पवित्र भाव, वो तुम्हारे पास है पीटर। तो जो जो क्षण जब आप ध्यान में बैठते, जब आप कोई भी क्रिया करते, क्रिया कोई भी कर सकते हो, ये वीतराग दशा कभी भी आपके पास आ सकती है। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, शुक्ल ध्यान बढ़ेगा, फिर आप उठते हुए, चलते हुए, खाते हुए भी उस भाव में रह सकते हो, परंतु पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठमा हिंसा संयम तब देवावितंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं दुःखं।